वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक पीपल के पत्ते से, दो इलायची और दो लौंग से किसी भी महिला या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी कोई प्रेमिका हो, रूठा हुआ प्रेमी हो, या फिर आपकी बॉस हो, पड़ोसन हो, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को आप इसके द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक आजमाया हुआ उपाय है जिसे करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी महिला जिसे आप अपने प्रेम में पागल करना चाहते हैं, वो आपके प्रेम में पागल हो जाएगी। तो आइए आज आपको बताते हैं आसान सा ये उपाय जो कि बाबा जी ने बनाया है उन भक्तों के लिए जो भक्त तुरंत ही अपनी प्रेमिका या प्रेमी को अपने वश में करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है भक्तों, सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर आपको लिखना है ये मंत्र। ये मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, ये एक शाबर मंत्र है जो कि काम आएगा आपके इसको इस कार्य को करने के लिए। जी हाँ, तो इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे लिखना है लड़के का नाम, यहाँ पे जमा लड़की का नाम। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसे इसको करने का तरीका बेहद आसान है। मैं यहाँ पे लड़के का नाम लिख रही हूँ रवि, और लड़की का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे महिमा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये नाम क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं, बाबा जी के पास रवि जी का कॉल आया था और रवि जी ने बताया है कि वो महिमा को अपने वश में करना चाहते हैं। महिमा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे वो अपने वश में करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं हो गई हैं, कुछ परिवार की मनमुटाव होने की वजह से महिमा उनसे नाराज हो गई हैं। तो वो चाहते हैं कि महिमा फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। इसीलिए हम रवि के कहने पर महिमा जी को उनके लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर ये सब चीजें करनी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पर लड़की का नाम लिखिए। ठीक ऐसे ही अगर कोई महिला है वो लड़के को करना चाहती है अपने वश में, तो पहले अपना नाम लिखना है, बाद में उसका नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब इस तरह से लिखकर यहाँ पर आपको एक बनाना है ओम, और इधर बीच में जो जगह है वहां पर आपको एक छोटा सा स्वास्तिक का निशान भी बना देना है। तो ये हो गया हमारा सारा जो हमें मंत्र बनाने हैं उसके लिए जो जरूरी सामान है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम इनको यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस पत्ते को अपने सामने रखना है और ये जो चीजें हैं, दो लौंग दो इलायची, इसको आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ये अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद जिस भी महिला को या पुरुष को आप अपने वश में करना चाहते हैं, आपको बस उनके खाने की चीज में इसको मिला देना है। पूरा का पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, आप इसका चूरा बना लें। अगर आप इसको एक चुटकी भी उनको किसी तरीके से खिला दें तो वो आपके वश में हो जाएंगे। पत्ते का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये मंत्र बिल्कुल सटीक लगे। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उपाय से मात्र 2 घंटे में वो व्यक्ति आपके वश में होगा। आप अपने मन का जो भी कार्य करवाना चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे, आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए। बाकी का मंत्र मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे की विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, बाबा जी आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। बाबा जी पहले देखेंगे कि आप इस मंत्र को सही तरीके से करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार है तो ये मंत्र आपको, ये काम करने का जो पूरा तरीका है, पूरा जो प्रोसेस है, वो आपको नहीं बताया जाएगा। इस तरह से आप हमें कॉल कीजिए, हम आपका ये कार्य जरूर करेंगे भक्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको बताएंगे कोई नई जानकारी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों।